हम जाने वाले हैं ओरछा, और मेरे साथ मोनू भाई हैं, कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ओरछा की तरफ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 6-7 गांव हैं और हमें 6-7 गांव पार करके जाना पड़ेगा, तब जाकर हम ओरछा पहुँचेंगे इस रास्ते से। इस रास्ते से शॉर्टकट है ओरछा राम मंदिर, यहाँ से 13-14 किलोमीटर पड़ता है, और अगर रोड बाई रोड जाएंगे तो वहाँ से हमें 18-19-20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं जो हमारे घर से है, और हम आ चुके हैं सबसे पहले गांव में। इस रास्ते का पहला गांव पड़ रहा है ये, यहाँ ज़्यादा कोई बारिश हो नहीं रही है तो इस वजह से यहाँ पर धूप पड़ रही है तो गर्मी लग रही है, और इस रोड पे गड्ढे जाना है तो कैमरा बार बार हिल रहा है, देख ही सकते हो दोस्तों गड्ढों में पानी भी भरा है। और इस गांव का नाम है गुजर्रा और हम यहाँ से गुजर रहे हैं, और हम लोग आ चुके हैं पहले गाँव। अभी तक यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गली रोड हैं। आप देख ही सकते हो कि कैसा रोड है, कैमरा कितना हिल रहा है, और बाइक पे तो हिलता ही है कैमरा। ये देखो भैंसे गांव की मटक के चल रही हैं। हाँ तो दोस्तों हम ये गांव पार कर चुके हैं, अब निकलते हैं दूसरी तरफ। मैं आगे निकाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगता ट्रैवल करने में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं राम राजा सरकार ओरछा राम मंदिर, और ये रहा वहाँ का पहला गेट। पीछे का गेट है जी, हम लोग पीछे के रास्ते से आए हैं। आपको पता ही है यहाँ से शॉर्ट पड़ता है तो उसी वहीं से आए हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा क्या है ओरछा का। यहाँ काफ़ी लोग आते रहते हैं बाहर से, विदेशी भी आते हैं ट्रेवल्स करने और राम राजा मंदिर के दर्शन करने। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ मंगलवार को होती है, मंगलवार को मेला की तरह लगता है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ रहती है सुबह के टाइम, सुबह और शाम के टाइम। आपने नाइट का तो देखा ही होगा मेरी पिछली वीडियो में, नाइट में अच्छा लगता है लेकिन यहाँ लाइट्स थोड़ी कम है तो इस वजह से मैं ठीक से दिखा नहीं पाया था, तो आज मैं दिन का शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ मोनू भाई थे, मोनू भाई और ये देखिए दोस्तों यहाँ से मंदिर दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ वो पेड़ है वो देखना जरा, वहाँ पर अच्छा लगता है। देखो बोरा वो मोबाइल का कैमरा है, अगर कैमरा होता तो मैं जूम करके दिखाता।
और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो शूट किए हैं। पहले पहले बहुत आते थे हम लोग यहाँ पर, अब थोड़ा आना जाना कम हो गया है यहाँ पर आना। और हम आ चुके हैं मंदिर के पास, तो टाइम तो हो चुका है 12:01 बज गए हैं, तो मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो हम आपको नदी पे ले जाएंगे। यहाँ की मार्केट है जी, मार्केट भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं ना घूमने के लिए, तो इस वजह से। और हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे, ये मंदिर के पीछे है हम लोग, रुक गया यहाँ से, तो हम यहाँ से नदी पर जाएंगे, नदी पे वहाँ का दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया नज़ारा है, देखिए और हम लोग आ चुके हैं नदी पर, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, लोग बाग नहा रहे हैं नदी में, बोटिंग भी चल रही है, बोटिंग पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि डर लगता है मोनू भाई को, और अकेले मैं जाऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए कितनी कला से बनाया होगा ये महल, पहले के आदमी उनके हाथों में बहुत कला थी। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ओरछा नदी के पास, और इसे कंचना घाट भी कहा जाता है, और यहाँ पर बोटिंग भी चल रही है, पहले बोटिंग नहीं होती थी अब होने लगी है, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ भी है। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हवा महल की तरह लग रहा है ये तो, और भाई पूरे मजे तो ये लौंडा ले रहा है यार टैलेंटेड बॉय, फुल एंजॉय ये कर रहा है बस, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं और अपना नहा धो के जा रहे हैं, लेकिन पूरा एंजॉय तो ये लड़का कर रहा है। ये रही वोटिंग, वोटिंग और कितनी हैं, 4 वोटिंग है वहाँ पर, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ। चश्मा ही पहन के नहीं आया हूँ दोस्तों मैं तो, और देखिए जरा देखो का सेल्फी बॉय चल रही सेल्फी बॉय ये देखो दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़िया नज़ारा है। और अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं, मेरा भाई ड्राइवर है,
देखो हमारे ड्राइवर साहब, बोलिए कुछ, बोल बोल दीजिए यार। अब हम जा रहे हैं, आगे की वीडियो आपको बताएंगे, आगे देखते रहें। तो बैठे यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और राम जी मंदिर, राम जी के दर्शन करने। तो अब हम कंचना घाट था, ये कंचना घाट है, ये यहाँ पर हम स्नान करने आते हैं। गाड़ी ऐसे और चलाओ तो पार्क है, मैं घुमा होती हूँ। अबे वहाँ चल तो वहाँ आती है चले के पीछे रास्ते कोई आता जाता नहीं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और अब हम जाने वाले हैं किले के पीछे और यहाँ पर पता चल रहा है घूम गया ना बहुत। हाँ यहाँ पर काम चालू है तो इस वजह से रास्ता बंद है, तो अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। यहाँ का तो उस वजह से रास्ता बंद थी, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों टाइम बहुत हो चुका है और हम अब हम घर जा रहे हैं, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वजह से वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। और जय श्री राम।